गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको BM या व्यवसाय अध्ययन वो बेटा पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, ये अध्याय चल रहा है। अभी तक हमने एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय और कल हमने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में पढ़ा था, और अंत में मैंने आपको संयुक्त हिंदू परिवार में लैंगिक समानता एक वास्तविकता इसके बारे में पढ़ाया था। इसको हम एक बार पुनः पढ़ेंगे, और इसके बाद संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के जो मुख्य लक्षण है उसके लक्षणों का आगे अध्ययन है करेंगे। तो हिंदू उत्तराधिकार या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के सहसमासी की पुत्री जन्म लेती ही, हिंदू परिवार के सहसमासी की पुत्र जन्म लेते ही अपने पिता की संपत्ति में सहसमासी बन जाती है, अपने पिता की संपत्ति में या पैतृक संपत्ति में सहसमासी बन जाती है। संयुक्त हिंदू परिवार के बंटवारे के समय सहसमासी संपत्तियां, यदि संयुक्त हिंदू परिवार जॉइंट फैमिली वेंचर या जॉइंट बिजनेस वेंचर जब विभाजित हो जाता है, तो जो सहसंपत्तियां हैं वो सभी सहसमासियों में उनमें लैंगिक विभाजन का बिना ध्यान रखे हुए समान रूप से विभाजित कर दी जाती है। संयुक्त हिंदू परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, संयुक्त हिंदू परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, वो उस संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कल बेटा, यदि बेटी की शादी हो जाती है, उसके बावजूद भी बेटी अपने पिता की संपत्ति में अपने भाइयों या पिता के बेटों के समान अपनी पिता की पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मांग सकती है। उस पुत्री को, विवाहिता को, अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के सहसमासी की पुत्री जन्म लेते ही, चाहे बेटी हो, हिंदू परिवार में उसने जन्म लिया है, तो पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में वो सहसमासी बन जाती है। संयुक्त हिंदू परिवार में यदि संपत्ति का बंटवारा होता है, भाइयों के बीच में बंटवारा होता है, अलग अलग बिजनेस कर लेते हैं, तो बेटी को भी अपने भाइयों के बराबर या बेटों के बराबर सहसमासी माना जाता है। परिवार में सबसे बड़ा सदस्य, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बेटी हो या बेटा हो, वो कर्ता बन जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार में, जैसे मैंने आपको बताया, बेटी या पुत्री अपने विवाह के बाद, यानी विवाहिता होने के बाद भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार मांग सकती है, उत्तराधिकार प्राप्त करने का उसे समान अधिकार होता है। ध्यान में रखना बेटा, ये ध्यान में रखना चाहिए कि बेटी की जब शादी हो जाए और वो विवाहिता बन जाए, तो उसे भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हक मांगने का अधिकार है। तो जो हम बेटों को, जो समाज में बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और हम बेटों को, जो बेटे होते तो खुशियाँ मनाते हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बेटी को भी, पुत्री को भी अपने पिता की संपत्ति में, उसके शादी होने के बाद भी
अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। नियंत्रण, तीसरा बिंदु, कल दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, निर्माण और दायित्व। अब तीसरा बिंदु है नियंत्रण। तीसरा बिंदु क्या है? नियंत्रण, जो परिवार में व्यवसाय का पर कर्ता का नियंत्रण होता है, यानी परदादा के बाद दादा का, दादा के बाद पिता का, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जो परिवार का सबसे वरिष्ठ होगा वो कर्ता बन जाता है, उसका नियंत्रण होता है। परिवार के सभी सदस्य उसकी राय मानते, उसका निर्णय अंतिम होता है, वह सभी निर्णय लेता है, यानी व्यवसाय के संबंध में, व्यवसाय के फैलाव के संबंध में, व्यवसाय की प्रोग्रेस के संबंध में, व्यवसाय के प्रोग्रेस के संबंध में, व्यवसाय को फैलाने के संबंध में उस कर्ता का ही अंतिम निर्णय होता है, वही सभी निर्णय लेता है और वही सभी निर्णयों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, वही व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अधिकृत भी होता है, वही व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अधिकृत भी होता है, उसके निर्णयों से दूसरे सभी सदस्य बाध्य होते हैं, उसके निर्णयों का कहना मानने के लिए दूसरे सभी सदस्य वो बाध्य होते हैं, यानी कर्ता है जो परिवार का सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे वृद्ध होता है, सबसे वयोवृद्ध होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता है वो स्त्री भी बन सकती है और पुरुष भी बन सकता है, परदादा के बाद में दादा या दादी, दादी के बाद में माँ या पिता, इस प्रकार कर्ता हो सकती है, वह सभी निर्णय लेती है, जो कर्ता होता है वही सभी निर्णय लेता है और वही व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अधिकृत होता है, व्यवसाय का प्रबंधन, उसका नियंत्रण, उसका संचालन, उसकी बिक्री, उसकी खरीद, उसके लिए सभी के लिए वो अधिकृत होता है। परिवार के सभी सदस्य कर्ता को छोड़ गए, सभी सदस्य कर्ता का कहना मानते हैं, सभी सदस्य उसका कहना मानते हैं, सभी सदस्य उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं, सभी सदस्य उसके निर्णयों से मानने के लिए बाध्य होते हैं। चौथा हमारा बिंदु है नियंत्रण। तीसरा हमारा पॉइंट क्या था? तीसरा हमारा बिंदु था नियंत्रण और चौथा हमारा बिंदु है निरंतरता। निरंतरता, कंटिन्यूसी, यानी कंटिन्यू रहता है व्यवसाय, कर्ता के बाद में, कर्ता की मृत्यु हो जाए तो परिवार का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति वो कर्ता बन जाता है, कर्ता की मृत्यु होने पर भी व्यवसाय चलता रहता है। मैंने आपको कहा है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में व्यवसाय रुकता ही नहीं है, व्यवसाय कभी नहीं रुकता, और पिता की मृत्यु के बाद में बेटा, बेटे के बाद में उसका बेटा, उसके बाद में उसका बेटा, यानी परदादा के बाद में दादा, दादा के बाद में पिता, पिता के बाद में पुत्र, ये नॉमिनी या कर्ता अपने आप स्वतः बन जाते हैं। कर्ता की मृत्यु के बाद व्यवसाय चलता रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी आयु का अगला व्यक्ति है वो कर्ता बन जाता है, जिससे व्यवसाय में स्थिरता रहती है, निरंतर रहती है, कंटिन्यूसी रहती है। जैसे आपने बनियों का व्यवसाय देखा होगा बेटा, मैं हमेशा बनियों का उदाहरण भी देता हूँ, जिनकी दुकान है वो 100 साल 200 साल से चली है आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है, 5-5, 6-6 पीढ़ियों से चली आ रही है, यानी परदादा, परदादा से भी उनके पिता, फिर परदादा, फिर दादा, दादा के बाद में पुत्र, पुत्र के बाद में उसका पुत्र पोता, ये व्यवसाय को चलाती हैं। इसमें क्या होता है, व्यवसाय में कंटिन्यूसी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि पुत्र या जो अगला करता है वो व्यवसाय में प्रबंधन के गुण अपने पिता से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि पिता के साथ वो व्यवसाय में हाथ बंटाता है, तो अपने पिता के व्यवसायिक प्रबंध के गुण उसमें स्वतः आ जाती है। सभी सदस्यों की संयुक्त स्वीकृति से ही, यदि क्योंकि सभी सदस्य हैं कर्ता को छोड़कर, वो सभी सदस्य अपनी पैतृक संपत्ति में सहसमासी होती हैं, तो व्यवसाय को समाप्त, पहले सभी सदस्यों की सहमति से ही व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। सभी सदस्य यदि सहमत हो, यदि सभी सदस्य सहमत हों तभी वह व्यवसाय है वो समाप्त हो सकता है। तो मैंने आपको कहा कर्ता की मृत्यु पर व्यवसाय चलता रहता है, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति वो कर्ता बन जाता है। कर्ता की मृत्यु के बाद भी व्यवसाय चलता रहता है, चलता रहता है, उसमें कंटिन्यूसी बनी रहती है, तथा पुत्र कर्ता बन जाता है, या पुत्र, पुत्री या
जो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कर्ता बन जाता है, बन जाता है, और व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। मैंने आपको बताया ना कि निरंतरता, कर्ता की मृत्यु के बाद भी व्यवसाय वो निरंतर चलता रहता है, और पुत्र क्या बन जाता है, कर्ता बन जाता है, या पुत्री भी कर्ता बन सकती है। तो निरंतरता, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है। कर्ता की यदि मृत्यु हो भी जाए तो जो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया है वो कर्ता बन जाता है। वह मुखिया स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। सबसे बड़ी आयु का अगला सदस्य कर्ता बन जाता है। वह अपने व्यवसाय संबंधी सभी गुण पैतृकता में प्राप्त करता है। जेनेटिक उसमें गुण आ जाते हैं, व्यवसाय के प्रबंध के नियंत्रण के संचालन में, क्योंकि बड़ियों का व्यवसाय हो उसमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी है वो अपने दुकान पर बैठते हैं, और उनमें व्यवसायिक कौशल, प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण के गुण है वो जेनेटिक होते हैं बेटा। तो जिसमें क्या होता है, व्यवसाय में स्थिरता आती है, क्योंकि बेटा भी व्यवसाय के सभी रहस्यों, राज, प्रबंधन, योग्यता, क्षमता सभी को जानता है। सभी सदस्यों की संयुक्त स्वीकृति से ही, सभी सदस्य यदि स्वीकृति दे ही, तभी व्यवसाय समाप्त किया जा सकता है। नाबालिग सदस्य, व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश, जैसे मैंने आपको बताया संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो परिवार में जो नवजात है, जिसने परिवार में अभी अभी जन्म लिया है, ऐसा नाबालिग बच्चा भी उस संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सहसमासी बन जाता है। नाबालिग सदस्य भी उसका सदस्य उत्तराधिकार में अपने पिता की पैतृक संपत्ति में सहसमासी बन जाता है। तो व्यवसाय में, मैंने आपको बताया व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण होता है। व्यवसाय में यानी परदादा, परदादा के यदि पड़पोता हो जाए तो वह पड़पोता, चाहे वो कितना ही छोटा हो, वो क्या हो जाता है, पैतृक संपत्ति में सहसमासी बन जाता है, पैतृक संपत्ति में वो उत्तराधिकारी बन जाता है। इसलिए नाबालिग भी व्यवसाय के सदस्य हो जाते हैं, नाबालिग भी व्यवसाय में बराबरी के हिस्सेदार या सहसमासी बन जाते हैं। तो नाबालिग सदस्य, उनमें नाबालिग सदस्य भी है वो जन्म लेने के साथ ही व्यवसाय में सहसमासी बन जाते हैं। पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर वह नाबालिग या एकदम नवजात बच्चा भी संपत्ति के बंटवारे में बराबरी का हिस्सेदार होता है, चाहे वो नाबालिग स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए नाबालिग भी व्यवसाय के सदस्य हो जाते हैं, नाबालिग भी व्यवसाय के सदस्य हैं वो बन जाती हैं। तो मैंने आपको बताया नाबालिग ही संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में व्यक्ति उस परिवार में जन्म लेते ही संपत्ति में सहसमासी बन जाता है, इसलिए नाबालिग भी व्यवसाय का सदस्य है वो बन जाता है। अब हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला लाभ क्या है, प्रभावशाली नियंत्रण, क्योंकि तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय चलता आ रहा है, और परदादा के बाद दादा, दादा के बाद बेटा, बेटे के बाद में पोता, उसके बाद में लगातार कंटिन्यूस ये पीढ़ी दर पीढ़ी है वो व्यवसाय पर नियंत्रण है वो बना रहता है, प्रभावशाली नियंत्रण है वो बना रहता है। क्यों, कर्ता के पास, क्योंकि सबसे जो परिवार में वृद्ध होगा वो कर्ता बन जाता है, अपने से जो बड़ा है या वो वृद्ध है उसकी मृत्यु के बाद जो उससे जो जूनियर है वो कर्ता बन जाता है,
सबको पता है कि वो जूनियर है, वो ही कर्ता बनेगा, इसलिए उनमें सदस्यों में मतभेद भी नहीं होता, क्योंकि उनमें से कोई भी उसके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं ले सकते, क्योंकि वो दूसरे नंबर का या परिवार में दूसरे नंबर, दो नंबर पर पोजीशन रखता है, इसलिए वो कर्ता बन जाता है। उसके निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वह जो निर्णय लेता है वही प्रमुख होता है, कर्ता का निर्णय ही अंतिम होता है, क्योंकि परदादा की मृत्यु हो गई तो दादा सबसे वयोवृद्ध है, वो ही कर्ता बन जाते हैं, उनका प्रभावी नियंत्रण संचालन प्रबंधन होता है, परिवार के सभी सदस्य उसका कहना मानते हैं, उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं, इसी कारण निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, क्योंकि कर्ता है वो समस्त निर्णयों को लेने के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए निर्णय भी शीघ्र होते हैं और निर्णय भी लचीले भी होते हैं, जब चाहे उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसके कारण निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं और उनमें लचीलापन, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उन निर्णय को अपने अनुकूल है वो बनाया जा सकता है, स्थायित्व मैंने आपको बताया, स्थायित्व तो रहता है, कैसे रहता है भैया स्थायित्व, तो? क्योंकि आपको पता है परदादा के बाद में दादा, उसके बाद में पिता, पिता के बाद में बेटा पोता, इनके बीच में व्यवसाय है, वो क्रमशः कर्ता बनते जाते हैं, और व्यवसाय में, फर्म में, दुकान में, इकाई में, तो कर्ता की मृत्यु के बाद में जो जूनियर है वो कर्ता बन जाता है, वही सर्वे सर्वा होता है, वही दुकान का, फर्म का नियंत्रक, संचालक, प्रबंधक होता है, उसी का निर्णय सर्वप्रमुख होता है, कर्ता की मृत्यु के बाद में व्यवसाय वो अस्थिर नहीं होता, उसमें स्थायित्व रहता है, व्यवसाय में स्थायित्व रहता है, व्यवसाय डगमगाता नहीं है, क्योंकि जो जूनियर है वो कर्ता बन जाता है, उसके निर्णय सर्वप्रमुख होते हैं, वही प्रबंधक नियंत्रण संचालक बन जाता है, और जो सबसे अगला, जो जूनियर सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति है, परदादा के बाद में दादा कर्ता बनेंगे, दादा के बाद में पिता कर्ता बन जाएंगे, पिता के बाद में बेटा, बेटे के बाद में पोता है वो कर्ता बन जाएंगे, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी है वो स्थान लेते जाते हैं, परिवार में, व्यवसाय में स्थायित्व रहता है, परिणाम स्वरूप व्यवसाय का कार्य समाप्त नहीं होता और व्यवसाय में निरंतरता को किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं होता, तो व्यवसाय की निरंतरता को कोई प्रकार का खतरा नहीं होता, व्यवसाय वो निरंतर चलता रहता है, तो स्थायित्व, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी अगली पीढ़ी का व्यक्ति, उसका उत्तराधिकारी उसका स्थान ले लेता है, इससे क्या होता है, व्यवसाय का कार्य कभी समाप्त नहीं होता, परदादा की मृत्यु के बाद दादाजी कर्ता बन जाते हैं, दादाजी के बाद पिताजी कर्ता बन जाते हैं, पिताजी के बाद बेटा जी कर्ता बन जाते हैं, और बेटे के बाद में पोता है वो कर्ता बन जाता है, तो व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जेनेटिक गुणों के कारण, अपने अनुवांशिक गुणों के कारण व्यवसाय चलता रहता है, मैंने आपको हर बार जो महाजन या बनियों को उदाहरण दिए हैं, तो उनका व्यवसाय है वो संयुक्त तो हिंदू परिवार व्यवसाय का सबसे तगड़ा उदाहरण है, जहाँ पर व्यवसाय या फिर सुनारी का व्यवसाय भी कह सकते हैं, महाजन के अलावा जो सुनारी का व्यवसाय है उसमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो व्यवसाय वो चलता रहता है, और जो कर्ता है वो परिवार का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति है वो बन जाता है, जो प्रमुख कर्ता उसकी मृत्यु के बाद में जो परिवार का वयोवृद्ध है वो व्यक्ति कर्ता बन जाता है, और व्यवसाय कभी समाप्त नहीं होता, व्यवसाय में स्थायित्व रहता है, कर्ता का निर्णय अंतिम होता है, वो व्यवसाय के फैलाव, फर्म या इकाई, उद्योग, दुकान के फैलाव के बारे में निर्णय करता है, सभी सदस्यों को जो उसकी परिसंपत्तियों में शेष राशि होते हैं उनके निर्णय मानने के लिए बाध्य रहते हैं या उनका निर्णय उन्हें मानना पड़ता है, व्यवसाय की निरंतरता हमें कंटिन्यूसली बनी रहती है, चाहे महाजन हो, चाहे सुनारी का व्यवसाय हो या स्वर्णकार का व्यवसाय हो जिसे हम सुनारी कहते हैं, उनके व्यवसाय में कंटिन्यूसली निरंतरता, कंटिन्यूसली या निरंतरता है वो बनी रहती है, देखा होगा आपने, महाजन या बनिए का व्यवसाय है, उनकी फर्म, इकाई, उद्योग है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, कई बनियों की या कई सुनारों की दुकानें हैं, वो कम से कम 100 100 150 साल पुरानी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप के बाद में उसका बेटा, उसके बाद में उसका बेटा, परदादा दादा पिता पुत्र पोता, इस प्रकार ये कंटिन्यूसली बनी रहती है,
कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगला सबसे वृद्ध व्यक्ति है वो कर्ता बन जाता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय का कार्य कभी समाप्त नहीं होता, व्यवसाय की निरंतरता को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, स्थायित्व तक आपको मैंने पढ़ा दिए है, बाकी का मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।